भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा कि बाबा साहब ने देश में एक मत एक व्यक्ति का प्रावधान कर संविधान में अमीर गरीब महिला पुरुष सबको एक समान अधिकार दिए। उन्होंने पिछड़ों अनुसूचित जनजातियों जातियों को आरक्षण का लाभ दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए प्रगति का द्वार खोलने का सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है और उस रास्ते को दिखाने वाले बाबा साहब को आज हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। इस अवसर पर कृष्ण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर मोहसिन खान, जियाउल इस्लाम, मिर्जा कादिर बेग, जयप्रकाश यादव, हाजिर शकील अंसारी, सिंहासन यादव, मैना भाई, राम लखन पासवान, श्यामदेव निषाद, राम जतन यादव, राघवेंद्र तिवारी, राजू, ब्रिजेश कुमार, गौतम, सुनील सिंह, राम नारायण विद्रोही, अशोक चौधरी, अशोक यादव, अरविंद शुक्ला, बिंदा देवी, सुशीला भारती, द्विजा देवी, राहुल यादव, कपिल मुनि यादव, सुनील श्रीवास्तव, संजय निषाद, श्याम यादव, जनार्दन सिंह फौजी, घनश्याम राव, सोनू जायसवाल सहित अन्य समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पर निर्माण दिवस है। उसी संबंध में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ है। उसमें हम लोग बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनके विचारों को किस तरीके से समाज में ले जाना है, किस तरीके से संविधान के तहत उन लोगों ने हम लोगों के हाथों में ताकत उन्होंने दिया, इन सब बातों को हम समाज में ले जाएंगे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है कहीं कहीं से हमारे संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ करने में लगी हुई है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस परिनिर्वाण दिवस पर उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए, उनके बनाए हुए संविधान को जिंदा रखने के लिए संकल्प लेगी और आगे इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे इनके बारे में? अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व तो कि अगर आप कहिए तो सिर्फ कहते रह जाइए। जो अधिकार मैंने बताया ना उन्होंने हमें दिया है, आज आपने चुनाव देखा होगा, अभी कल उपचुनाव बीता उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। अभी एक पंचायतों के चुनाव आए हैं, उसके आरक्षण की अगर आप सूची देख लीजिए, गोरखपुर में 80 वार्ड में मात्र 8 वार्ड दलित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, जो 10% होता है और संविधान के अनुसार 21% होना चाहिए। सेम OBC के साथ हुआ है। तो बाबा साहब के विचारों की किसी तरीके से लोग हत्या करने पर लगे हुए हैं, हम लोग आज उनके इस परिणाम दस उसी को सबके बीच में उनके विचारों को रख करके हम इस संविधान की रक्षा के लिए कृतसंकल्प होंगे।